तो ये सब आपका प्यार और सहयोग से है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे विद्यालय के बच्चे हैं कक्षा 10 और 12 के, वो फर्नीचर के अभाव में 15 किलोमीटर दूर दांतराई परीक्षा देने जाते हैं, तब उससे उनकी मानसिक स्थिति आप जान सकते हैं। बच्चा 15 किलोमीटर जाता है तो मौसम को, रास्ते को, और दूसरे स्कूल का स्टाफ होता है तो कितना मानसिक प्रेशर रहता है। तो एक अर्ज करूंगा कि 150 के समथिंग टेबल और कुर्सी वो, और दूसरी बात ये मंच आप देख रहे हैं, हर साल लगभग ये विद्यालय 40,000 रुपए टेंट के खर्च करता है हर साल। तो ये थोड़ा सा मेरा बड़ा निवेदन है, लेकिन आप बड़े दिल वाले आदमी हैं इसलिए मैं अर्ज कर देता हूं, अगर इस मंच पे टीन सेट का काम हो जाए तो वर्षा हो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे तूफान हो चाहे आंधी हो, हम विस्मित नहीं हो। आज सुबह भी थोड़ी सी बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी तो बच्चे और मैं टेंशन में आ गए कि हमारे प्रोग्राम की तैयारियां धरी की तरी नहीं रह जाए। तो मेरे दो निवेदन है आपसे, तो मुझे आशा ही नहीं और पूरे गांव जनों को भी विश्वास है, कल मेरे बहुत सारे युवा मंडल से भी यहाँ टेंट के प्रोग्राम चल रहा था तो बहुत सारे लोग थे, तो कह रहे यार सर कितनी बार टेंट लगाओगे, समस्या खत्म करवा दो ना सर से। तो यह मेरा निवेदन रहेगा कि आप इसको पूरा करेंगे। आप वो महान शख्सियत हैं, इस गांव के समस्त भामाशाह भी महान शख्सियत हैं। इतना सुंदर गांव, इतना सुंदर अनुशासन मैंने इस छोटी सी लाइफ में नहीं देखा है। इतने 700 किलोमीटर दूरी है, पूरा हरियाणा बॉर्डर पे मेरा घर है और पूरे गुजरात बॉर्डर पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक घर जैसा प्यार, एक भाई जैसा संबंध और एक परिवार पूरा मिला, इसके लिए मैं इस पूरे गाँव का आभार व्यक्त करता हूँ। इस गाँव के संपूर्ण बच्चों के, भामाशाहों के और ग्रामीण जनों की तरफ से मैं नमन भाई जैन साहब का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं।